वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो नेम रिएक्शन हम देख रहे थे। नेम रिएक्शन में आज का हमारा जो नेम रिएक्शन है वो है कोलबे स्मिट रिएक्शन, या फिर कह लो कोलबे रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसको कोलबे स्मिट रिएक्शन क्यों कहते हैं? ये नेम रिएक्शन है तो साइंटिस्ट के नाम से ही इसको नाम दिया गया है। तो ये कौन से साइंटिस्ट थे? कोलबे और स्मिट दो अलग अलग साइंटिस्ट है। ठीक है, एक साइंटिस्ट था हरमन कोलबे और दूसरा जो साइंटिस्ट था वो था रुडोल्फ स्मिट। ठीक है, इसलिए इसको कोलबे स्मिट रिएक्शन या फिर कोलबे रिएक्शन कहा जाता है। अब अगर डिस्क्रिप्टिव में आप आंसर दे रहे हो तो आपको क्या देना होता है? प्रिंसिपल, फिर मैकेनिज्म और लास्ट में कुछ एप्लीकेशन। वो जितने मार्क्स में पूछा जाता है उसके हिसाब से लिखना होता है। या फिर अगर आपको स्पेसिफिक पूछा गया है कि आपको सिर्फ रिएक्शन और मैकेनिज्म देनी है तो आपको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल या फिर स्टेटमेंट, रिएक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर और डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये फिनॉल ले लिया। अभी फिनॉल में जैसे ही मैं NaOH डाल दूंगा तो ये फिनॉल वीक एसिड है, NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो ये OH इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन H प्लस को दे देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? -H2O। फिर कुछ ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और उसके साथ Na प्लस, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो शुरू होती है वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते इस रिएक्शन को। यहाँ पर इसका रिएक्शन करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर होता है 4 to 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर। कुछ बुक्स में 120 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, कुछ बुक में 125 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है। ठीक है, तो एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो रूम टेम्परेचर पे अगर देखा जाए तो CO2 जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, नॉर्मली हम जो भी रिएक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं? ऐसा एक रिएक्शन वेसल होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें हम सभी चीज़ें ऐड कर देते हैं, फिर उसको हीट करते। तो ये तो गैस है, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो असेंबली यूज़ करनी होती है वो प्रेशर कुकर जो होता है हमारे घर में उसके जैसे असेंबली होते हैं। ठीक है, मतलब एकदम पैक असेंबली होगी और मजबूत होगी, जिसको हम टेम्परेचर देंगे तो प्रेशर जनरेट होगा, वो टूटे नहीं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है, इसीलिए पैक असेंबली होगी, और जब पैक असेंबली है उसको हम टेम्परेचर देंगे तो अंदर प्रेशर भी जनरेट होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो 4 to 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर जनरेट हो सकता है, नॉर्मली इतना होता है। कई बुक में 6 एटमोस्फेयर लिखा है, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना दिया है। अगर मैंने 120 दिया होता तो प्रेशर थोड़ा कम जनरेट होता, 125 दिया है तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा जनरेट होगा। और एक बात, अगर मैं यहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस ले लूँ तो क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 120 डिग्री सेल्सियस गलत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? ये तो हमें मैकेनिज्म से ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अभी OH, ये COONa, इसको बोलते हैं सोडियम सेलिसिलेट। क्या बोलते हैं? सोडियम सेलिसिलेट। ये क्या था? सोडियम फिनोक्साइड। ये क्या था? फिनॉल। मतलब ये भी फिनॉल की रिएक्शन है, जैसे हमने राइमोटाइमन देखा था। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में जैसे ही मैं इसका एसिडिफिकेशन कर देता हूँ, H3O+ ले लो या फिर डाइल्यूट HCl ले लो या कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, तो क्या होगा? जहाँ पर सॉल्ट है वहाँ पर क्या हो जाएगा? COOH। ठीक है, तो यही हमारा रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, वही हमारा प्रिंसिपल है। तो क्या हो रहा है? फिनॉल में से पहले सोडियम फिनोक्साइड बना, तो ये सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन होने के बाद ऑर्थो पोजिशन में COOH आ गया। राइमोटाइमन में क्या होता था? CHO ग्रुप, तो वो कौन सा रिएक्शन था? फॉर्मिलेशन। ये कौन सा रिएक्शन है? कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कौन सा रिएक्शन है ये? कार्बोक्सी
लेसन रिएक्शन ऑफ ये सोडियम फिनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट क्या है 4 to 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड 125 डिग्री सेल्सियस टू गिव क्या बन रहा है टू गिव सोडियम सेलिसिलेट। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया इसका एसिडिफिकेशन विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स ब्लैंक ये क्या बना तो इसको बोलते हैं सेलिसिलिक एसिड विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स सेलिसिलिक एसिड। और लास्ट में मैं क्या लिखूंगा दिस रिएक्शन इज नोन एज कोलबे-स्मिट रिएक्शन। एकदम सिंपल है यहां पर भी ऑर्थो प्रोडक्ट बन रही है तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बन रही है। ठीक है इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पैरा प्रोडक्ट नहीं बन रही है। ठीक है पैरा भी बन रही है लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगी। अब सेकेंड चीज है मैकेनिज्म तो यहां पर भी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ठीक है पहले फिनोल था फिनोल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे सकता था रेजोनेंस हो सकता था। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है कल मैंने बताया था कि ये ऑक्सीजन के खुद के पैसे है ये कम खर्च करेगा जबकि ये ऑक्सीजन ने चोरी किया है हाइड्रोजन से तो ये ज्यादा खर्च करेगा। मतलब फिनोल से सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है तो मैं डायरेक्टली सोडियम फिनोक्साइड ले लेता हूं। ठीक है वो उसमें मैकेनिज्म वाली कोई बात नहीं है ये मेरे पास है O माइनस Na प्लस। हाँ और अगर 12th साइंस वाले कोई बच्चे देख रहे हैं तो वो कभी कभी ये गलत समझ लेते हैं अगर मैं यहाँ पर O माइनस सिर्फ लिखता हूँ तो वो बोलते हैं कि Na प्लस कहाँ गया। ठीक है तो ये तो आयन है जहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा उसके साथ ये Na प्लस होगा ही होगा। ठीक है गलत फहमी में नहीं रहना है। अब क्या होगा जैसे ही ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ पर ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच ये कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा एक बॉन्ड ब्रेक होगा कौन सा पाई वाला। तो यहां पर पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर माइग्रेट हो जाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड बन गया अब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है C डबल बॉन्ड O ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है लेकिन समझने के लिए मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं। ठीक है तो यहां पर देखो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है डेल्टा माइनस इसका कम है डेल्टा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है अब यहां पर जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया ये अटैक कर सकता है तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया तो क्या हुआ इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई जो पॉसिबल नहीं है तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो जो चेंज हो रहा है वही हमें देखना है बाकी सब कुछ तो एज इट इज है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड था वहां पर सिंगल बॉन्ड और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा Na प्लस। ठीक है एकदम सिंपल है। अब सेकेंड स्टेप में आपको देखना है पहले ये सोडियम फिनोक्साइड था ठीक है 3 डबल बॉन्ड थे अल्टरनेट मतलब वो एरोमेटिक था अभी ये कार्बन देखो आप ऑर्थो वाला इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया ये नॉन एरोमेटिक हो गया तो ये क्या हो गया अनस्टेबल अभी मतलब लेस स्टेबल हो गया अनस्टेबल तो ठीक है। ठीक है अगर यहां पर डबल बॉन्ड बन जाए तो फिर से ये एरोमेटिक बन जाएगा और जैसे ही ये एरोमेटिक बन जाएगा क्या होगा इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो यहां से मैं पहले एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड क्या बनेगा तो चार्ज क्या आएगा नेगेटिव ये पास में दे सकता है तो ये दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है तो मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूं ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच ट्रांसफर होंगे ये ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं ठीक है ये जो डबल बॉन्ड है वहां सिंगल हो जाएगा ये सिंगल था वहां डबल हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा नेगेटिव और ऑर्थो में तो जो था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है ये Na प्लस मैं एक बार निकाल देता हूं
यहां से पहले क्या निकला, माइनस एच प्लस। अभी देखो यहां पर मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन है, यहां पर फिनोक्साइड आयन है, ये दोनों में से किसके साथ ये एच प्लस अटैच होगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे जहां पर लोगों ने ये गलती की है, तो एक बार समझ लेते हैं। देखो ये मान लो बेंजीन है, उसके साथ सी डब्लू एच है, या फिर बेंजीन है उसके साथ OH है, या फिर CH3CH2OH है अल्कोहल। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फिनॉल और ये अल्कोहल, ये तीनों में एसिडिटी किसका ज्यादा है इसका, तो ये मैं एसिडिटी ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक है। सभी में से एक एक हाइड्रोजन अगर मैं निकाल दूं, ये एसिडिटी का ऑर्डर है, एक एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बनेगा, ये सी डबल ओ माइनस, यहां पर क्या बनेगा बेंजीन, फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, फिर यहां पर CH3CH2O-, ठीक है। तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट, ये बन गया फिनोक्साइड और ये बन गया अल्कोक्साइड। तो अभी एसिडिटी का ऑर्डर ये है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है ये स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको पता होगा इफ एसिड इज स्ट्रॉन्गर इट्स कॉन्जुगेटेड बेस इज वीक। तो ये बेस है लेकिन ये सबसे वीक बेस है, जबकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग इट्स कॉन्जुगेटेड बेस इज वीक, तो ये सबसे वीक बेस है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा, ये बेसिसिटी का ऑर्डर लिखा। तो अभी बेस किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास H प्लस है, ये कार्बोक्सिलेट है, ये फिनोक्साइड है, ये दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, फिनोक्साइड। तो इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन कौन देगा सेकेंड स्टेप में, ये O माइनस, क्लियर है। बहुत सारे वीडियोज में ये गलत मैकेनिज्म दिखाई गई है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ मैं Na प्लस लिख सकता हूं, क्लियर है। एक बार आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी ये क्या बन गया, देखो वहां पर मैंने लिखा हुआ नाम इसका क्या है, ये सोडियम फिनोक्साइड। अभी जैसे ही सोडियम फिनोक्साइड बन गया, सेकेंड स्टेप में मैं डाइल्यूट HCl या फिर H3O प्लस के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो एसिडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये OH, ये सी डबल ओ एच, ठीक, मैं कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये OH, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेशन होने के बाद सी डबल ओ एच ग्रुप ऑर्थो पोजिशन में आ गया फिनॉल की, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसका नाम क्या दिया था हमने, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये सैलिसिलिक एसिड ही क्यों बन रहा है, और दूसरे शब्दों में वाई ऑर्थो इज मेजर। तो फर्स्ट थिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा है, एक ही मोलेक्यूल में या अलग अलग, अगर अलग अलग में होता तो जैसे इंटरसिटी बोलते हैं, इंटर मोलेक्यूलर होता, ये इंट्रा मोलेक्यूलर है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन, इंट्रा मोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सेकेंड, अगर ये फिनॉल होता, देखो ये फिनॉल है, जो हमने वहां पर दिया था रीजन, वही रीजन है जो राइमोटाइमन में दिया था मैंने, ठीक है, ये ओ माइनस। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लस एम से या फिर कह लो प्लस आर से, ये भी प्लस एम और प्लस आर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है। सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, तो ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इंडक्स से, इंडक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट से, जबकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पूरा डोनेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर विड्रॉल भी हो रहा है। और एक बात, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, ठीक है, मतलब जैसे ही डिस्टेंस कम है इफेक्ट ज्यादा लगेगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा इफेक्ट कम हो जाएगी। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पास में ज्यादा देगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अटैक ज्यादा करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, और इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाली बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने फिनॉल में ये नहीं डाला होता सोडियम फिनोक्साइड,
तो इसका सोल्ट नहीं बनता, और सोल्ट नहीं बनता तो जो प्रोडक्ट बनती वो पैरा मेजर बनती। रेजोनेंस तो ऑर्थो और पैरा में सेम लगता है। इंडक्टिव ये खींच रहा है, यहां फिनोल में ये खींच रहा है तो यहां से ज्यादा खींचेगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहां से कम खींच रहा है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अब एप्लीकेशन की बात करें तो सैलिसिलिक एसिड में से 12th साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एस्पिरिन वाले, ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं, बाद में इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जहां पर मैं NaOH नहीं लूंगा। फिर से एक बार, इसके बाद में इसकी एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे जहां पर मैं NaOH नहीं लूंगा। तो ये एक बार जैसे ही सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, यहां से कन्वर्जन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ये क्वेश्चन CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, या फिर ये ले लेते हैं CH3C(OO)CO(CH3, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये अटैक कर देता है इस कार्बोनिल के ऊपर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर से दे देगा और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी आप एक बार सोच लो, ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, कार्बोनिल कार्बन के साथ। तो बना देता हूं मैं, ये एज इट इज रहेगा, ये COOH, फिर ये ऑक्सीजन का बॉन्ड बना इस कार्बोनिल कार्बन के साथ और ये CH3 एज इट इज। तो यहां पर क्या हुआ, यहां से H, यहां से Cl, HCl निकल गया। अगर ये मैंने लिया होता तो ये ऑक्सीजन अटैक कर देता इस कार्बोनिल के ऊपर, तो यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता, तो बाय प्रोडक्ट क्या बनती, CH3COO और यहां से H माइनस CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। दोनों में प्रोडक्ट सेम बनने वाली है, इसको क्या बोलते हैं, एस्पिरिन, क्या बोलते हैं, एस्पिरिन, या फिर एसिटाइल ग्रुप आ गया तो इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको शॉर्ट में ASA भी बोलते हैं, ठीक है, थीके? जो कि पेन जब होता है तब यूज होता है, मतलब एनाल्जेसिक है, जब फीवर होता है मतलब एंटीपायरेटिक है, और जब इन्फ्लेमेशन है तब भी ये यूज होता है। तो एस्पिरिन जो है वो उसका यूज क्या है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये एक ड्रग मॉलिक्यूल है जिसका हम यूज करते हैं जब हम बीमार होते हैं। दूसरी एक चीज, अगर आपको ये सैलिसिलिक एसिड पूछा जाए, जैसे कि आपको ये रिएक्शन ऐसे पूछ लिया कि यहां पर फिनोल है, ठीक है, इसके रिएक्शन ऐसे किए जाते हैं, फर्स्ट NaOH के साथ किया, फिर सेकेंड CO2 के साथ किया, 4-7 एटमोस्फेरिक प्रेशर लगा दिया, 125 डिग्री सेल्सियस लगा दिया, और थर्ड स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन कर दिया, तो क्या बनने वाला है, डायरेक्ट बता दो, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन आपको वो ये बताएंगे कि यहाँ पर ए प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, और ये जो सैलिसिलिक एसिड है इसमें अगर आप न्यूट्रल FeCl3 डाल दो तो ये क्या देगा, वायलेट कलर देगा, ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड है। अगर इसमें आप न्यूट्रल FeCl3 डाल दो एक्वियस सॉल्यूशन के साथ, इसको हीट कर दो तो ये वायलेट कलर देगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर इसका ऐसे क्या किया मैंने, एसिटाइलेशन, इसका एसिटाइलेशन होने के बाद एक बी प्रोडक्ट बन रही है, तो हमें तो पता है कौन सी बी प्रोडक्ट है, एस्पिरिन। तो यहां पर OCOCH3 और यहां पर COOH, ठीक है, ये एक ड्रग है ऐसा बोल देंगे आपको। ये ए जो है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर दे रहा है, उसका एसिटाइलेशन होने के बाद बी प्रोडक्ट बनेगी जो कि एक ड्रग है, वो ड्रग आपको बोल देंगे कि एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, या फिर बोल देंगे कि ये जो बी बन रहा है उसको भी अगर न्यूट्रल FeCl3 के साथ हीट किया जाए तो ये भी वायलेट कलर दे रहा है, ध्यान से देखना, ये दोनों ही वायलेट कलर देते हैं। तो अब देखो, इसको जैसे ही मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा इसका एक्वियस, तो ये एसिड है, यहां से आयोनाइजेशन होगा, H+ निकलेगा, और इस H+ की प्रेजेंस में इस एस्टर का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अंदर वाटर तो पहले से ही है, अगर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो यहां पर H आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा। तो फिर से क्या बनेगा, अगर इसको मैं हीट कर दूं वाटर में तो आयोनाइजेशन होगा, मतलब एसिडिक वाटर हो गया, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस होगा,
और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा क्या बन जाएगा, ये सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड है तो ये भी हीट करने के बाद वायलेट कलर ही देगा। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें थी, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक बहुत सारे लोग यहां पर गलती करते हैं, तो ये फिनोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट। सेकेंड, ऑर्थो पोजिशन पे ही मेजर प्रोडक्ट क्यों मिल रही है, तो ये फिनोल होता तो रेजोनेंस सेम लगता दोनों में, लेकिन फिनोल है तो इंडक्टिव नेगेटिव होगा, जबकि फिनोक्साइड है तो इंडक्टिव पॉजिटिव होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। सेकेंड, जैसे ही मैंने सैलिसिलिक एसिड बना दिया, इसका अगर एसिटाइलेशन कर दूं तो एस्पिरिन बनेगा या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनेगा, जो कि एक ड्रग है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म हो गया, अब एप्लीकेशन। तो देखो, ये नेम रिएक्शन के लिए एक बुक है, वीके आलूवालिया, क्या नाम बताया मैंने, वीके आलूवालिया एंड राकेश कुमार पराशर की, ठीक है, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट, रिएजेंट्स दिए हुए हैं, वहां से मैं कुछ एप्लीकेशंस आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन, अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं, OH, OH, क्या बोलते हैं इसको, OH बेंजीन के ऊपर 1,3, क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनोल, क्या बोलते हैं इसको, रिसोर्सिनोल, और इसका रिएक्शन अगर मैं करा दूं CO2 और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, देखने वाली बात है ये, फिर से एक बार बता देता हूं, ये रिएक्शन की एप्लीकेशन मैंने वीके आलूवालिया में से लिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो NaOH यूज नहीं किया है, क्या यूज किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन क्या फिनोल के साथ होता है, नहीं होता, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो वीक बेस है और ये वीक एसिड है, दोनों के बीच रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन ये ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है रेजोनेंस, ऑर्थो और पेरा में प्रोडक्ट बन सकती है। अभी इसका इफेक्ट कौन सा होता है, रेजोनेंस प्लस या फिर मेसोमेरिक प्लस बोल दो, जबकि इंडक्टिव कौन सा होता है, माइनस, तो ये इसकी ऑर्थो में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इसकी पेरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो OH ग्रुप की पेरा पोजिशन में रिएक्शन होगा या फिर इसकी ऑर्थो में। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इस OH ग्रुप की ऑर्थो में रिएक्शन नहीं होगा, इस OH ग्रुप की पेरा में रिएक्शन होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर प्रोडक्ट कुछ ऐसी बनेगी, ये OH एज इट इज, यहां पर भी OH एज इट इज, यहां पर COOH, पहले तो सोल्ट बनेगा, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन, तो इसको नाम देना है, इसको मैं क्या बोल दूं, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये 2 और 4 के ऊपर हाइड्रोक्सी, तो नाम दे दो 2,4-डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा ये। सेकेंड एग्जांपल ले लेते, ये OH और ये NH2, इसको नाम दे दो। ठीक है, ये फिनोल है तो ये 1, 2 और 3, नाम दे दो 3-एमिनो फिनोल है इसका नाम। सेम रिएजेंट में यूज कर रहा हूं, NaOH यूज नहीं किया है तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर नहीं मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। तो यहां पर देखो OH और NH2 दोनों ही अलग अलग है। फिर से एक बार बता दूं, ये रिएक्शन जो है इसकी एप्लीकेशन मैंने वीके आलूवालिया में से ली है। तो यहां पर देखो, ये OH इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये NH2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन दे सकता है, नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इसकी ऑर्थो में और पेरा में, नेगेटिव चार्ज बनेगा रेजोनेंस से, ठीक है, पॉजिटिव रेजोनेंस से। अब इंडक्टिव की बात करें तो इसका इंडक्टिव से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कहां से ज्यादा खींचेगा, ऑर्थो से, मतलब चार्ज ज्यादा कहां बनेगा, यहां पेरा में, तो रिएक्शन कौन सी पोजिशन में होगा, पेरा में। तो यहां पर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, ये OH एज इट इज, यहां पर NH2 एज इट इज और यहां पर COOH, इसको भी नाम दे दो फटाफट, ये क्या है हमारा, बेंजोइक एसिड, 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी, 4 के ऊपर एमिनो, एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, 4-एमिनो-2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक
एसिड, क्लियर है। अब थर्ड एग्जांपल ले लेते, बेंजीन के ऊपर OH, OH और OH तीनों एक साथ है पास पास में, तो इसको क्या बोलते हैं, पाइरोगेलोल, क्या बोलते हैं, पाइरोगेलोल। सेम रिएक्शन, सेम रिएजेंट यूज कर रहा हूं, तो देखो इसकी ऑर्थो और पैरा ये है, इसकी ऑर्थो ये और ये, और इसकी पैरा ये है, ठीक है। इसकी तो ये मेटा हो रही है, तो इसकी ऑर्थो या फिर इसकी पैरा, इसकी ओर्थो या फिर इसकी पैरा, तो ये दोनों साइड पे रिएक्शन होगा, ठीक है। रीजन सेम है यहां पर भी, तो ये प्रोडक्ट बनेगी OH, OH, OH और यहां पर C OH, ये बेंजोइक एसिड है, ये 2, 3 और 4, तो 2, 3, 4 क्या लिखेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जितने मार्क में पूछा जाता है उसके हिसाब से एप्लीकेशन देनी है। अब अल्टरनेट OH ले लेता हूं मैं, ये OH यहां पर, ये 3 के ऊपर और ये 5 के ऊपर, तो इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लुसिनॉल, ठीक है, ये फ्लोरोग्लुसिनॉल। अगर आप नाम भूल जाते हो, इसका नाम भूल गए पाइरोगेलोल, तो कोई बात नहीं, बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई ऑल लिख दो, इसका नाम भूल गए बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई ऑल लिख दो, ठीक है। सेम रिएजेंट NaOH कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन या फिर हाइड्रोलिसिस, तो देखो इसकी ऑर्थो ये दोनों या फिर इसकी पैरा ये, इसकी ऑर्थो ये दोनों पैरा ये, सेम मतलब कहीं पर भी एक जगह पर आप कार्बोक्सिलेशन करवा दो, ठीक है, ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। इसका नाम दे दो, ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर आपको इसका रीजन समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब ये बनता है सिंपल कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट मालूम नहीं है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है, मतलब जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट अगर वो खींचता है तो पास में से ज़्यादा खींचेगा, दूर से कम खींचेगा। अगर वो डोनेटिंग है तो पास में ज़्यादा देगा, दूर ज़्यादा देगा, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया, कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा। थैंक यू।